चल। ओके गाइस निकल रहे हैं यहाँ से। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम ब्लॉग्स। तो हम आज करेंगे मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। तो उसके लिए हमें चाहिए एक हेलमेट, एक एक्शन कैमरा, एक माइक गोप्रो के लिए माइक अडेप्टर और एक माइक। और पिछले वीडियो में जो है सब मैंने आपको बताया था क्या क्या लेके आए, बताना भूल गया कि आपको अगली वीडियो में मैं सब बता मोटो ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या करना है। तो ये मेरा पुराना हेलमेट है स्टील बट का, जैसे मैंने पिछले बहुत जूनी वीडियो रहेगी एक साल पुरानी, उसमें आपने देखा रहेगा कि मैंने एक्शन कैमरा लगाया था कैन का था, तो मैंने तभी सेटअप बनाया था, तभी मैंने गोप्रो लिया है। तो गोप्रो का सेटअप हम करेंगे, तो फटाफट मैं अपना सेटअप चालू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मेरा हेलमेट कुछ अंदर से ऐसे है, काफ़ी गंदा है, सॉरी, उसके बाद मैं साफ कर लूँगा। तो ये जो थर्मोकोल है अपना, तो इसमें इतना कट करूँगा, इतना कट करके जो एडेप्टर है जो सेल एडेप्टर है मैं इसमें अंदर डाल दूँगा, वायर अंदर से यहाँ से यहाँ तक लूँगा। ये राउंड पूरा घुमा के लेना पड़ेगा। तो गाइस ऐसे कुछ मैंने इतना एडेप्टर इसके अंदर डाला है, जैसे वायर, ये वायर है एडेप्टर की निकली हुई, ये कुछ ऐसी वायर है यहाँ से निकली हुई। तो ये माइक है यहाँ, इसका ये माइक यहाँ पर लगेगा, ये कुछ वायर ऐसी आएगी। और एक वायर जो कुछ ऐसे यहाँ से। तो पूरा सेटअप होने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो हे गाइस ऐसे कुछ जैसे एडेप्टर डाला हुआ है, ऐसे कुछ वायर का, तो कुछ माइक, ये माइक यहाँ पे लगा है। तो तब डाल के आपको दिखाता हूँ, सब पैड निकली हुई है। तो गाइस अपना सेटअप रेडी है, यहाँ पे लगाया है माइक, यहाँ पर है 3.5 mm जैक, ये माइक एडेप्टर, ये अपना गोप्रो, और इसके अंदर है अपना माइक एडेप्टर जो अभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है गाइस इसे कल हम ट्राई करेंगे, अभी तो रात हो गई है, तो इसे कल सवेरे ट्राई करते हैं काम करते हैं कि नहीं। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन। मैं कल आपको बोला था कि जो गोप्रो का सेटअप किया है, मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप किया है, तो उसे ट्राई करते हैं। तो मैंने फ़िलहाल तो गोप्रो चालू किया है, तो पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, आवाज़ तो आनी चाहिए। तो मॉर्निंग के हो रहे 10:19, मैं जा रहा हूँ मेरे जॉब पे। आई होप रिकॉर्डिंग अच्छी आती होगी। ओके गाइस तो हम आ गए बेलापुर हाईवे पे। वो भी चेक करते हैं विंड ब्लास्ट आता है कि नहीं, मेरे को लगता है कम से कम विंड ब्लास्ट होती रहेगी। एक बार आप वाइस भी चेक करके देखता हूँ विंड ब्लास्ट कितनी आती है। तो मेरे लेफ्ट साइड में रिलायंस जियो, यहाँ से हम लेंगे राइट। मेरे पीछे का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, राइट साइड का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो उसे जाके दिखाना पड़ेगा। KTM में नहीं जाऊँगा, या फिर लोकल शॉप में दिखाऊँगा, क्योंकि अच्छा दोस्त है अपना जहाँ से मैंने कौन सेट का काम किया था। ये जो इतना पैच है ना रास्ते का, काफ़ी अच्छा है, पूरे दोनों साइड जंगल एरिया है, काफ़ी दिखने को काफ़ी अच्छा दिखता है। अरे कहाँ से गुफा से जा रहे हैं।
जो अपना इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। किसी का कॉल चेक कर लेता हूँ, कॉल किसी का। हेलो हेलो, हाँ बोलना। चाबी किसके पास है? किसे लिया था? किडने से? हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस ओ मचा रहा, इंडिकेटर का लाइट जो ब्लिंक नहीं हो रहा है राइट साइड का, रियर का, तो उसे ठीक करवा लेते हैं। मैं घनसोली सेक्टर 3 माफी ब्रिज के नीचे से लेते हैं लेफ्ट। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमें गाड़ी का काम करना है, एक बार उसे दिखा लेते हैं। वो रास्ता पास है, रास्ता से लेना पड़ेगा। सारी गाड़ियों काम कर लेते हैं भाई। और क्या चल रहा है? बस यही काम कर रहा था। कैसे? बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। सब लोग की दुआ भाई, कर रहे काम। अब चालू है? चालू है। है तू ब्लॉक में? देखना भाई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा पीछे का। हाँ ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है। अच्छा वायर वायर निकला रहेगा क्या पता, अभी देख चेक कर क्या है। चलो गाइस क्या चलो गाइस फोन कर मेरे को, करना फोन कर भी फ्राइडे का, संडे को ठीक है। फ्राइडे को कभी छुट्टी निकालता हूँ तभी जाएंगे। ठीक है चल चल। ओके गाइस निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अपने इंडिकेटर का तो काम नहीं हुआ, दो दिन बोला है रुकने के लिए क्योंकि उसके पास भी अवेलेबल नहीं है, शायद इंडिकेटर शॉर्ट हुआ है। ठीक है दो दिन वेट करते हैं, उसके बाद नया इंडिकेटर डाल देते हैं। तो फिलहाल मैं घंस कोपर घंसुली कोपर खाने के बीच में तो फिलहाल मैं वो घनसोली के पीछे के रोड में पीछे साइड मतलब 55 सेक्टर 55 आता है या फिर 55 बोलते हैं इसे। अभी सुमसम रोड रहता है, ज़्यादा करके सुमसम रहता है। यहाँ से निकलते हैं। ओ आपने देख लिया है मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप तैयार हुआ है, तो अपने साउंड क्लियरिटी भी सुनिए काफ़ी बढ़िया आ रही है। थोड़ी बात चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसे हम नया हेलमेट लेके चेंज कर देंगे, वो अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। तो इसके बाद आपको डेली मतलब एक मोटो ब्लॉग देखने जरूर मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का घंटा दबाओ, लाइक करो और शेयर करो, और राइट सेफ लाइफ सेफ। Goodbye.